आज पौधारोपण किया गया और ये मोबाइलों का वितरण किया गया, किस तरह का क्या क्या प्रक्रिया रही? बिल्कुल, राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता है कि हमारे जो कार्यालय परिसर है, पुलिस लाइन है, थाने हैं, उनको साफ सुथरा रखना, उनको हरा भरा रखना। दूसरी प्राथमिकता को अमल में लाने के लिए आज हमने पुलिस लाइन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है। आज यहाँ पर हमने करीब 100 पौधे का वृक्ष का रोपण किया है और इसके अलावा 1500 और पौधे जो हैं उसका आवंटन पुलिस विभाग को किया गया है, इनका भी रोपण जल्दी किया जाएगा। इसके अलावा पिछले एक महीने से हमारे ज़िले की सारे थानों के पुलिस जो है, जो मोबाइल होते हैं उनकी दस्तियाबी में लगी हुई थी। इसके लिए हमने एक स्पेशल टीम बनाई थी, एसपी ऑफिस से इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही थी और संबंधित थाने के साथ समन्वय करके ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल को दस्तयाब करने का, रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा था। तो पिछले एक महीने में जो हमने प्रयास किया उसके ही फलस्वरूप आज करीब 160 मोबाइल्स का हम यहाँ पर वितरण कर रहे हैं और जिन परिवादियों का मोबाइल खोया था उनको यहाँ पर बुलाकर उनको के हाथ में उनका मोबाइल सुपुर्द किया जा रहा है। इन 160 मोबाइल की कुल मार्केट वैल्यू करीब 23 लाख के आसपास है और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रक्रिया भी जारी है, हम और ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में भी इस तरीके से हम मोबाइल वितरण का कार्यक्रम जारी रख। सर, दो पुलिस आपके साथ, आपका मोबाइल आपके हाथ में, अच्छी उपलब्धि टोंक जिले में पाई है। इतने लंबे दादा में पहली बार ऐसा हुआ कि इतने मोबाइल एक साथ वापस लोगों को दिए जा रहे हैं, क्या आगे भी प्रयास जारी रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि ये पूरे ज़िले के पुलिस के सामूहिक प्रयास से ये संभव हो पाया है और हमारा प्रयास जारी है। हमारी टेक्निकल टीम जो है, जितने भी मोबाइल नंबर्स होते हैं अगर उनका IMEI नंबर हमें मिल जाता है तो उसे हम ट्रेस कर पाते हैं। तो और भी जितने मोबाइल की गुमशुदगी जो रिपोर्टेड की हुई है उनको भी हम दस्तयाबी करने का, रिकवरी करने का प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में भी इस तरीके का कार्यक्रम जारी रहेगा। सर, ये गुमशुदगी मोबाइल ही है या फिर ऐसे भी मोबाइल हैं जो पोर्ट से भी बने हुए हैं? नहीं, ये गुमशुदगी वाले। सर, कैसे सर जिले में से जो गुमशुदगी के दर्ज है अपने मोबाइल से? फाइनल डेटा मैं आपको दे दूंगा बट गुमशुदगी के मोबाइल के 1000 से ज़्यादा केसेस हैं जिससे अभी तक हम 160 को आज तक अभी ट्रेस कर पाए और बाकी जो है उनमें भी हम प्रयास जारी हैं। पुलिस टीम को आप धन्यवाद कहना चाहेंगे कैसे प्रयास रहे? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा अपने उद्बोधन में भी कहा कि हमारे एसपी ऑफिस में जो हमारी टेक्निकल टीम है, सुरेश चावला जी लीड कर रहे थे इस पूरे अभियान को और वो सारे थाने अधिकारी और जो हर थाने में जो टेक्निकल टीम है जो IMEI नंबर के को ट्रेस कर रही थी उनके साथ समन्वय करके और उनके सामूहिक प्रयास से ये संभव हो पाया है। ये कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। मैं आपके माध्यम से पूरे टोंक पुलिस का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको शुभकामना देना चाहूँगा कि उनके सामूहिक प्रयास से ये संभव हो पाया और इतने सारे परिवादियों को हम उनका मोबाइल सपोर्ट कर पाए। सर, आज एक आपके देवली थाने का सिपाही की मौत हो चुकी है, उसके लिए आपने मौन रखा था, तो क्या मामला? दो मिनट का मौन रखा। बिल्कुल, दो मिनट का मौन रखा था। आज कल रात को एक बहुत ही दुखद घटना घटी। हमारे पुलिस परिवार का, टोंक पुलिस परिवार का एक सिपाही हंसराज, उसकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। सुबह सुबह उसका पोस्टमार्टम करके उसके परिजनों को उसकी बॉडी सुपुर्द की गई है और पूरे जो एक हम गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उसका फ्यूनरल, उसका क्रियाक्रम अभी किया जा रहा है। मैं स्वयं अभी कुछ देर के बाद उसके उनके परिवार वालों से मिलूँगा और ये बहुत दुखद घटना है और पूरे टोंक पुलिस की तरफ से हम प्रार्थना करते हैं कि भाई उनकी आत्मा को